नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साउथ इंडिया में चोला अंपायर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लगभग 900 एडी से लेके 1200 एडी तक के टाइम पीरियड में क्या हुआ, उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश की जाएगी। इस रिस्पेक्ट में अगर चोला अंपायर की बात की जाए तो इस राइट मैप में आपको कुछ अंपायर्स दिख रहे हैं। तो आपको चोल अंपायर दिख रहा है, चेर अंपायर दिख रहा है, पंडे अंपायर दिख रहा है, लेकिन ये जो बेसिक फिगर है ना दोस्तों, ये बदलता रहा है। अक्सर कर आपको पता है कि इन चोला पंड्या चेराज में आपस में लड़ाई होती थी, तो किसी समय में चोल का इलाका बड़ा हो गया, किसी समय में पंड्या का इलाका बड़ा हो गया, किसी समय में चेरा का इलाका बड़ा हो गया। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर लेते थे। तो इन लोग की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी ना, वो अक्सर कर बदलती रहती थी। उसको देखेंगे कि किसने किसको हराया, हल्की फुल्की आउटलाइन लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, बट फिर भी कवर तो करना ही है, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हो, हमारा सिलेबस। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं भैया, पावरफुल किंगडम्स उठे साउथ इंडिया में। छठी और आठवीं शताब्दी के दौरान पे ये किंगडम्स उठे थे। इन किंगडम्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो थे पल्लवास और पंड्यास, जो कि डोमिनेट करते थे मॉडर्न तमिलनाडु को। चेराज एक्टिव थे आज की डेट के केरला के इलाके में। चालुक्यास की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र इलाका और जो डेक्कन पेनिनसुला का जो इलाका है, बेसिकली वहाँ पे ये एक्टिव थे। अब इसमें आप देखोगे कि कुछ एम्पायर जैसे कि पल्लवा और पंड्या, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी, चोलास की नेवी बहुत स्ट्रांग थी। उसके रिस्पेक्ट में देखोगे कि ये पल्लव पंड्या रूलर्स ने क्या किया है कि अपने इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल रिलेशंस को बढ़ाया। चोल ने तो साउथ ईस्ट की कंट्रीज के साथ और चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं ट्रेड किया, कुछ हद तक पल्लव और पंड्या अंपायर्स ने भी ये किया है। ओके, चोल अंपायर ने तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे श्रीलंका के ऊपर कब्जा कर लिया था। आप कह सकते हो कि साउथ इंडिया की हिस्ट्री में जो सबसे ऊंचाई का क्लाइमैक्स आया है ना, वो कहाँ से आया है, तो वो बेसिकली आप कह सकते हो चोल अंपायर की तरफ से आया। फिर आप देखोगे कि एक साउथ इंडिया का रूलर था, चालुक्यन किंग था, जिसका नाम था पुलकेशिन टू, उसने हर्षवर्धन को हराया था। ओके, हर्षवर्धन साउथ इंडिया की तरफ बढ़ना चाहता था, नॉर्थ का आप कह सकते हो रूलर था हर्षवर्धन। साउथ इंडिया की मार्च को किसने रोक दिया, पुलकेशिन टू ने रोक दिया। तो इस रिस्पेक्ट में बहुत सारे अंपायर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। चोल अंपायर ने 9वीं शताब्दी में डेक्कन पेनिनसुला का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने इलाके में लिया। इनकी बहुत पावरफुल आर्मी थी, इन्होंने पूरी तरीके से श्रीलंका के ऊपर और मालदीव्स के ऊपर भी एक समय पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, चोल अंपायर के अंदर मालदीव्स भी एक समय पर कब्जे में आ गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे राइज ऑफ द चोल अंपायर की। चोल अंपायर के राइज को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास और पालास, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले के चैप्टर्स में। चोल अंपायर की अगर आप बात करो तो एक बार उसको देख लेते हैं। थोड़ा आगे जाके आपको एक नक्शा दिखेगा, उस नक्शे के हिसाब से थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो आपको यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है ना, पूरा का पूरा इतना बड़ा इलाका, ये कहीं ना कहीं चोल अंपायर में आता था पूरा का पूरा। अभी इन इलाकों में पंड्यास भी थे, बट एक समय ऐसा था जब ये पूरा का पूरा इलाका इस चोला किंगडम में आता था। ये लगभग 1200 एडी की बात है। इनफैक्ट आपको नीचे के अंदर नज़र आ रहा होगा कि जो काली वाली आउटलाइन है ना, पूरा का पूरा श्रीलंका भी इस काली आउटलाइन के अंदर आ रहा है। मतलब इतने बड़े इलाके में 1200 एडी में पूरा चोला किंगडम ने अपना कब्जा जमा के रखा था। ओके, तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जो चोला अंपायर की बाउंड्री थी वो बहुत दूर दूर तक फैली है। उस रिस्पेक्ट में हम लोग चोला अंपायर को बहुत डिटेल में यहाँ पे एनालाइज करेंगे। कौन थे फाउंडर चोला अंपायर के, तो विजयालया चोला इसके आप कह सकते हो फाउंडर थे। पल्लवास के फ्यूडेटरी थे, थंजौर पे इन्होंने कब्जा कर लिया था 850 एडी में। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी चोला ने पल्लवास ऑफ कांची को हरा दिया। कांची को उस समय पे तोंदाई मंडलम भी बोलते थे। अब आप देखोगे कि चोलास ने पल्लवास ऑफ कांची को हरा दिया और पंड्या को कमजोर कर दिया, और बहुत बड़ी जो तमिल कंट्री थी, तमिलनाडु के आसपास का आज का बहुत बड़ा इलाका था ना, वो चोला के अंदर में चला गया। चोला कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटा से बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करेंगे। आप देखोगे राष्ट्रकूटा का डोमेन यहाँ आपको कितना बड़ा नजर आ रहा है। अगर राष्ट्रकूटा के डोमेन की बात करो तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि राष्ट्रकूटा का डोमेन कितना बड़ा है। तो एक समय पे राष्ट्रकूटा की ये जो इधर बाउंड्री है और चोल की जो इधर बाउंड्री बनेगी वो आपस में टकराएगी, तो चोल कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटास के साथ भी एक लंबे समय तक स्ट्रगल करेंगे। ओके, कृष्णा थ्री ने चोला किंग को हराया भी था, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा है। कृष्णा थ्री नाम का जो राष्ट्रकूटा रूलर था उसने चोला किंग को हराया भी था और चोला अंपायर के नॉर्दर्न पार्ट को कुछ समय के लिए कब्जा पे किया था। तो कुछ समय के लिए जो चोला की ताकत थी वो काफ़ी कम हुई, लेकिन जब कृष्ण थी जो कि राष्ट्रकूटा अंपायर का रूलर था, उसकी मृत्यु होगी 965 एडी में, उसके बाद चोला अंपायर एक्सपेंड करना शुरू होगा।
और जो रियल एक्सपेंशन आएगा चोला अम्पायर का, वो कब आएगा? दो रूलर्स के अंदर, एक राजराज के अंदर और एक राजेंद्रवन के अंदर। ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स रहे। राजराज का रेन रहा है 985 से 114 एडी, राजेंद्रवन का रहा है 114 से 144 एडी। तो राजराज का रेन कितने का है? लगभग 29 साल का, और राजेंद्रवन का लगभग कितने का है? लगभग 30 साल का। दोनों का रेंज लगभग बराबर का है, दोनों ही बड़े कैपेबल रूलर थे और दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से चोला बाउंड्री को बढ़ाया है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो। सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री तो बना ही रहा हूँ, ये उसी की वीडियो है, ठीक है। एनसीईआरटी 6 से 12 तक की बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं, बहुत सी बन रही हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, तो मुझे अच्छे लगेंगे और सबके यूज़फुल लगेंगे, तो मैं उनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, और जो मैं करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ एनालिसिस और डेली एडिटोरियल्स के लेक्चर्स बनाता हूँ, उनकी PDF भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं राजराजवन और राजेंद्रवन, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि जो चेरास थे, चेरा कहाँ है? तो प्रेजेंट डे जो मॉडर्न केरला है, ये वाला जो इलाका है चेरास, इनके साथ भी चोल की लड़ाई हुई थी। तो चेरा की नेवी को त्रिवेंद्रम ने राजराज ने हरा दिया। कोलोन पे इसने अटैक किया। कोलोन को आज की डेट में कोलम बोलते हैं, केरला के अंदर की एक सिटी है कोलम, तो बेसिकली कोलोन इज कोलम, ठीक है। तो कोलोन पे अटैक किया इसने, किसने? आपका राजराजवन ने। फिर आप देखोगे मदुरई को कैप्चर किया इसने और पंडियन किंग को हरा दिया। बाद में इसने श्रीलंका पे अटैक किया, और श्रीलंका पे अटैक करने के बाद इसने श्रीलंका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसको कब्जाया। तो पहले पूरा का पूरा श्रीलंका एक बार में नहीं कब्जाया है चोलाज ने, पहले राजराज के अंदर ऑलमोस्ट आधा श्रीलंका चला गया, और फिर जब राजेंद्रवन आएगा तो पूरा का पूरा श्रीलंका पे किसका कब्जा हो जाएगा? चोला रूलर्स का। अभी इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि इतनी जगहों पे राज करके करेंगे क्या ये चोला रूलर्स, खासकर श्रीलंका के ऊपर इतना समुंदर तैर के जाके राज करने की क्या जरूरत थी? रीजन ये था कि जो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ इंडियन पेनिनसुला का ट्रेड हो रहा था, इसके ऊपर ये चोलास कंट्रोल पाना चाहते थे। जो कोरोमंडल कोस्ट है और जो मालाबार कोस्ट है, ये दोनों सेंटर्स ऑफ थे इंडिया के ट्रेड, और इन दोनों पे कहीं ना कहीं अपनी बादशाह साबित करना चाहते थे, और दोनों पे साबित कर ही ली। इधर पे आपको नजर आ रहा है भाई मालाबार कोस्ट, और आपको ईस्टर्न साइड पे दिखेगा आपका कोरोमंडल कोस्ट। एक मिनट, यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा कोरोमंडल कोस्ट, इस तरफ है मालाबार कोस्ट, और इन दोनों कोस्ट पे जो ट्रेड हो रहा था, जो कि कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया था, इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे चोला रूलर्स, और कहीं ना कहीं इन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया भी है। ओके, इन्होंने मालदीव्स के ऊपर भी कब्जा किया। राजराजवन की राजराज की जो नेवल एक्सप्लॉइट्स हैं, मालदीव पे कब्जा करना भी क्रेडिट भी इनको दिया जाता है। फिर आप देखोगे जो गंगा किंगडम था कर्नाटका में, और वेंगी नाम की जो जगह थी, इसको ओवररन किया राजराज ने। वेंगी कहाँ नजर आ रहा है आपको? तो ऊपर देखिए, ये रहा वेंगी, तो वेंगी के ऊपर भी कब्जा किया राजराज ने। गंगा किंगडम आपको कहाँ नजर आ रहा है? तो ऊपर ईस्टर्न गंगा किंगडम, इस पर भी कहीं ना कहीं कब्जा किया राजराज ने। तो राजराज ने अपनी जो बाउंड्रीज थी बहुत दूर तक फैलाई, जितना भी इसके हाथ में आता गया कब्जा करता गया। राजराज के बाद भार कौन संभालेगा? तो राजराज के बाद भार संभालेगा राजेंद्र चोला, ठीक है। एक रिस्पेक्ट में और यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि जो राजेंद्र था, इसका जो आप कह सकते हो सक्सेशन हुआ है, वो एकदम से नहीं हुआ है। राजराजवन के राज के दौरान ही राजेंद्र चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं अपने पिताजी की मदद कर रहा था। राजराज ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मेरे बाद गद्दी पर मेरा बेटा राजेंद्र बैठेगा। तो जिस समय पर राजराज रूलर था, उस समय पर राजेंद्र अपने पिताजी की मदद करवा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन में, वॉरफेयर में। तो थ्रोन पे बैठने से पहले ही ऑलरेडी राजेंद्र चोला को काफ़ी आइडिया लग चुका था राजपाट चलाने का, और बाद में वो बहुत एबल रूलर की तरह सामने आएगा। उसने अपने पिताजी द्वारा चलाई गई जो एनेक्सिस्ट पॉलिसी थी, कि दूसरों के इलाकों का कब्जा करना, उसको चालू रखा। उसने पंड्या को इलाके पे भी कब्जा किया, उसने चेरा के इलाके पे भी कब्जा किया। ये पंड्या और चेरा दोनों आपको इस नक्शे में नजर आ रहे हैं। बेसिकली इस नक्शे में पंड्यास, चेरास, चोलास,
राष्ट्रकूटास, पल्लवास, वेंगीज, ईस्टर्न चालुक्य, आप इन सबको देख लीजिए, रीजन बिंग इनका नाम आगे आता ही रहेगा। इस रिस्पेक्ट में एक बात समझ लीजिए, अपनी थिंकिंग इतनी ब्रॉड रखिएगा कि इन सब एम्पायर्स की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो बदलती रही है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज इनकी कांस्टेंट नहीं रही है। चूँकि अक्सर कर ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो कोई सिटी जीत गया, कोई सिटी हार गया, तो इनकी पॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ गई या घट गई। इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो श्रीलंका के ऊपर पूरा कब्जा किया राजेंद्र ने। राजेंद्र ने श्रीलंका पर कब्जा किया, जो रॉयल इंसिग्निया था, जो रॉयल सिंबल होता है श्रीलंका के किंग और क्वीन का, उनको उठा लाया। कहीं ना कहीं उनके किंग और क्वीन को ह्यूमिलिएट किया गया और श्रीलंका अगले 50 सालों तक अब चोला कंट्रोल में आ जाएगा। और राजराज और राजेंद्र वन का जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने का तरीका था वो काफ़ी अलग था। ये बहुत सारे शिव और विष्णु भगवान के टेम्पल बनाते थे अलग अलग जगहों पर, और ये टेम्पल इस बात के सबूत होते थे कि इन्होंने इस इलाके को जीत लिया है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल था वो था बिहदेश्वरा टेम्पल। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुई है, इसकी स्पेलिंग है BRIHADISHWARA। कुछ लोग बृहदीश्वरा कहते हैं, मतलब BRIHADESHWARA। बेसिकली ये टेम्पल थंजौर में है। 1010 AD में ये टेम्पल बनके तैयार हो गया था। चोला रूलर्स के दौरान जो भी टेम्पल्स बनाए गए थे उन टेम्पल्स की वॉलों पे इंस्क्रिप्शंस थे, मतलब उन टेम्पल्स की दीवारों पे खुदा खुदा के कुछ लिखाई होती थी, और उन लिखाई में ऑब्वियसली बात है हिस्टोरिकल नैरेटिव्स होता था विक्ट्री का। तो चोला जहाँ जहाँ भी गए, उन्होंने जो जो जगहें भी जीती, तो उनकी जीत के गान में बड़ी प्रशस्तियाँ लिखी होंगी कि भाई इतना ताकतवर रूलर, इतना बड़ा रूलर, और बड़ी तरीके की तारीफ इनकी लिख के रखी गई थी। ठीक है, इसीलिए इन इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे ही हम चोला अम्पायर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस रिस्पेक्ट में अगर आप बात करोगे तो राजेंद्र वन के दौरान पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लॉइट्स है। कहा जाता है कि भाई कलिंग को क्रॉस करके ओडिशा में बंगाल तक गए थे राजेंद्र वन की आर्मी, इसने गंगा क्रॉस की और दो लोकल किंग्स को हरा दिया, और उसके बाद ये उसी रास्ते से वापस आए जिस रास्ते से समुद्रगुप्त आया था। ओके, समुद्रगुप्त गुप्ता अम्पायर का महान रूलर था, और ये जो राजेंद्र वन थे चोला अम्पायर के महान रूलर थे। तो कहीं ना कहीं चोला की आर्मी कलिंग को क्रॉस करके बंगाल तक भी गई है। फिर आप देखोगे कि ये जो गंगा को क्रॉस करके आगे जाके दो राज्यों को जीतने वाला जो काम था ना, इसने कहीं राजेंद्र वन की कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा दिया, और फिर राजेंद्र वन ने अपने आप को टाइटल दिया गंगईकोंडा चोलापुरम। तो सिटी का नाम है, इसने अपने को नाम दिया गंगईकोंडा चोला। गंगईकोंडा चोला का मतलब क्या है कि वो चोला एम्परर जिसने गंगा को जीत लिया। इसने एक कैपिटल भी बनवाई थी अपनी कावेरी रिवर के माउथ के बाद, जिसको उसने नाम दिया गंगईकोंडा चोलापुरम, मतलब वो सिटी ऑफ चोला जिसने गंगा को जीत लिया। बेसिकली इसने गंगईकोंडा चोला अपना नाम रखा और उसके नाम पे शहर बसा दिया। अगर गंगईकोंडा चोलापुरम को आप नक्शे में देखना चाहो तो आपको मैं अभी नक्शे में दिखा देता हूँ। ये बेसिकली आपको कावेरी नदी नज़र आ रही है, और इस कावेरी नदी की बिल्कुल माउथ में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है गंगईकोंडा चोलापुरम। ओके, तो ये राजेंद्र वन ने अपने नाम पे बनवाया था, चूँकि राजेंद्र वन ने अपने आप को नाम दिया था गंगईकोंडा चोला। ठीक है, फिर आप देखोगे कि श्री विजया एम्पायर के ऊपर भी इसने अटैक करना शुरू किया। श्री विजया एम्पायर कहाँ पे, तो भाई जो प्रेजेंट डे मलय पेनिनसुला है, सुमात्रा है, जावा है, बेसिकली इंडोनेशिया का आइलैंड, ये जो मलेशिया के आसपास के इलाके हैं और उनके आसपास के आइलैंड हैं, यहाँ पे उस समय पे एक अम्पायर हुआ करता था जिसका नाम होता था श्री विजय अम्पायर। अच्छा, एक बार मैं और बता दूं आपको, ये जो आपका श्री विजय अम्पायर था ना, इस श्री विजय अम्पायर के साथ आप कह सकते हो जो नेवल एडिशन शुरू हुए थे, आप कह सकते हो कि द श्री विजय अम्पायर विच हैड बीन रिवाइव्ड इन द 10th सेंचुरी एक्सटेंडेड ओवर मलय पेनिनसुला सुमात्रा जावा। तो ये जो श्री विजय अम्पायर था इसकी शुरुआत कब हुई, 10वीं शताब्दी में हुई। और इस श्री विजय अम्पायर की खास बात क्या थी कि ये ओवरसीज ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करता था। अब इस श्री विजया किंगडम में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी, और ये शैलेंद्र डायनेस्टी के लोग थे बुद्धिस्ट, और ख़ास बात ये थी कि इनके चोलास के साथ अच्छे रिश्ते थे, ऑलमोस्ट अच्छे रिश्ते थे। इनफैक्ट एक शैलेंद्र रूलर ने तो नागपट्टनम नाम की जगह पे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी बनवाई थी। ये नागपट्टनम प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, और राजेंद्र वन ने इस नागपट्टनम नाम की बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के खर्चे के लिए एक विलेज के रेवेन्यूज़ को साइड भी रख दिया था, रिजर्व कर दिया था कि ठीक है भाई इस मोनास्ट्री को चलाने के लिए इस विलेज से जितना भी रेवेन्यू आएगा उससे आप ये मोनास्ट्री चला सकते हो।
तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि जब ऑलरेडी श्री विजया किंगडम के शैलेंद्र डायनेस्टी और चोला अंपायर के बीच में अच्छे रिश्ते हैं, तो यहाँ क्या ज़रूरत है चोला अंपायर्स की श्री विजया किंगडम से लड़ाई शुरू करने की। लड़ाई शुरू करने की वजह ये थी कि होता ये था कि जब इनके इलाकों से यानी सुमात्रा, जावा, मलिया वगैरह के आसपास से जब भी ट्रेडर्स निकलते थे ना इंडिया के, कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेडर्स को टैक्स देना पड़ता था। वो जो ट्रेड रूट थे उनके ऊपर श्री विजया अंपायर का कंट्रोल था, और उन ट्रेड रूट से पैसा कमाना, वही श्री विजया अंपायर वाले पैसा तो कमाएंगे। तो इस रिस्पेक्ट में ये जो हमारे चोला रूलर्स थे उनको समझ में नहीं आ रही थी बातें। चोला रूलर्स ने बोला कि भाई इंडियन ट्रेडर्स के सामने ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए, और उसी रूट से चाइना वाला ट्रेड भी जाता था, इसीलिए यहाँ पे चोला अंपायर ने क्या बोला कि नहीं भाई, इस इलाके में तो हमारा कंट्रोल है, तुम हमसे टैक्स नहीं मांग सकते। और उसके चलते आप देखोगे कि एक्सपेडिशंस कंडक्ट करवाए राजेंद्र वन में, कदाराम में और केदा में, मनाय पेनिनसुला और सुमात्रा में, और कहीं ना कहीं ये जो सुमात्रा इलाका था ये भी बहुत लंबे समय के लिए चोला के कंट्रोल के अंदर आ गया था। इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल था ये चोला लेक बोला जाता था, चूँकि इस इलाके में चोला की नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। एक समय के लिए ये जो पूरा का पूरा इलाका था जो कि श्री विजया किंगडम के अंदर आता था, इसके ऊपर चोला एम्पायर की ही चलती थी, चोला एम्परर की ही चलती थी। रीज़न बींग कि वो इस इलाके के ट्रेड के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, और इन चोला रूलर से पंगा नहीं ले पाए श्री विजया किंगडम वाले। आप सोचिए इतना भोकाल था। फिर आप देखोगे कि ये जो चोला रूलर्स हैं इन्होंने बहुत सारी एम्बेसीज भी भेजी चाइना को, चाइना के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते थे, तो बहुत सारे डिप्लोमेटिक और कॉमर्शियल आप कह सकते हो कि अटैचमेंट्स गए चोला की तरफ से चाइना। तो 70 मर्चेंट्स का एक काफिला चाइना पहुंचा 1077 AD में, और इसके रिस्पेक्ट में एक चाइनीज़ अकाउंट ये बोलता है कि इनको 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश दिए गए थे चाइना की तरफ से, जो कि आज की डेट में 400,000 रुपये के बराबर है। तो कुल मिला के ट्रिब्यूट्स की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया के जो मर्चेंट्स थे वो ग्लासफेयर, कैम्फर, ब्रोकेट्स, राइनोसेरोरस हॉर्न्स और आइवोरी लेके गए थे, और उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट आई चाइना की तरफ से उसको यहाँ पे ट्रिब्यूट बोला है चाइना ने, 81,800 स्ट्रिंग्स ऑफ कॉपर कैश। तो मतलब ट्रेड के लिए जो पैसा पे किया जाता था उसको चाइनीज़ यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं, ट्रिब्यूट बोल रहे हैं। फिर आप देखोगे कि ये जो चोला रूलर्स थे इनकी लड़ाइयाँ तो देखिए होती ही रहती थी लगातार। ये चालुक्या से भी लड़ रहे थे, ये राष्ट्रकूटा से भी लड़ रहे थे, लेटर चालुक्या से भी इनकी लड़ाई हुई। लेटर चालुक्या की जो राजधानी थी वो कल्याणी में थी। नक्शे में अगर आप देखोगे तो कल्याणी आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो बेसिकली चालुक्या बिल्कुल चोला किंगडम के बगल में आते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है लेटर चालुक्यास के साथ तो इनकी लड़ाई होगी ही होगी। ओके, अच्छा, चोलास की जो लेटर चालुक्यास के साथ लड़ाई हुई थी वो एक और चीज़ की वजह से हुई थी कि वेंगी नाम का इलाका जिसको आज की डेट में रायल सीमा बोलते हैं, तुंगभद्रा दोआब, ठीक है, मतलब तुंगभद्रा के आसपास का जो पानी से सिंचा हुआ बड़ा सा, मतलब कह सकते हैं ना कि फसलों से रिच बहुत फर्टाइल इलाका है उसके लिए, और जो गंगा रूल्ड कंट्री थी, गंगा डायनेस्टी जिस कंट्री को रूल करती थी नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका में, इन सब के ऊपर कब्जे के लिए लेटर चालुक्या से भी चोलाज ने बहुत लंबे समय तक लड़ाई की है। इस रिस्पेक्ट में इन इलाकों को लेके बहुत लंबे समय तक चालुक्यास, लेटर चालुक्यास और चोला के बीच में लड़ाई हुई, और उसका कोई भी आउटकम निकल के नहीं आया। दोनों साइड्स ने एक दूसरे का काफ़ी नुकसान किया। बाद में आप देखेंगे कि चोला के रिस्पेक्ट में कुछ और कड़वी बातें निकल के आती हैं। चोला रूलर्स को बहुत क्रूअल बोला जाता था। जब भी चोला रूलर्स कहीं पर अटैक करते थे वहाँ की जनता को मारते थे, वो सारे लोगों को मार देते थे, चाहे वो ब्राह्मण्स हो चाहे वो चिल्ड्रन हो। अगर वो पंड्या कंट्री में अटैक करेंगे वहाँ पर भी मार देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जिस जगह पर वो अटैक कर रहे हैं वहाँ के लोगों को मार दे रहे हैं, और उन जगहों पर अपनी मिलिट्री कॉलोनीज बना दे रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत लोग वहाँ पर बचे हुए हैं उनको देखने के लिए कि ज़्यादा हीरो ना बने, बहुत सारी मिलिट्री की टुकड़ी को वहाँ पे सेटल कर देते थे चोला रूलर्स। चोला रूलर्स ने अनुराधापुर नाम का जो शहर था श्रीलंका में उसको भी तबाह कर दिया, और श्रीलंका के किंग और क्वीन के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट किया चोला रूलर्स ने। और इसके लिए चोला रूलर्स की हिस्ट्री को कहीं ना कहीं गलत प्रकार से भी देखा जाता है, क्योंकि जो इनका ट्रीटमेंट था दूसरों की तरफ वो ऑनरेबल नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो चोला एम्पायर की अच्छी थी कि जिस जगह पर भी वो कब्जा करते थे वहाँ पे उसके बाद एक बहुत इलेबोरेट चोला एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को वहाँ पे सेटअप करते थे। प्लस चोला सिस्टम की एक और ख़ास बात थी, एक रिमार्केबल फीचर था कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करते थे। विलेजेस में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलती थी चोला एम्पायर में। फिर आप देखेंगे कि पूरी 12वीं शताब्दी चोला का राज चलाए, लेकिन
13वीं शताब्दी के अर्ली पार्ट में अब चोला अम्पायर का कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना शुरू होगा। फिर आप देखोगे कि जो लेटर चालुक्यन अम्पायर था, महाराष्ट्र के इलाके में जिसका कब्जा था, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था 12th सेंचुरी के एंड तक। अब आप देखोगे कि चोलास के डाउनफॉल के बाद उनकी जगह कौन लेगा, तो उनकी जगह ले लेंगे पंड्यास और होयसलास। ओके, और आप देखोगे कि जो चालुक्यास की जगह कौन लेंगे, तो यादवास लेंगे, काकतियास लेंगे। तो चोला की जगह आएंगे पंड्या और होयसलास, और चालुक्य की जगह आ जाएंगे यादवास और काकतियास। ठीक है, अगर आप देखो तो यादवा का डोमेन यहाँ दिख रहा है, काकतिया का डोमेन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, होयसला आपको इस तरफ पे दिख रहा है। आगे चलते हैं भाई, चोला अम्पायर के बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे जाना है। हालांकि अभी चोला अम्पायर की इन्फॉर्मेशन बंद नहीं हुई है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चोला गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। एक और बात मैं आपको बता दूं कि चोला अम्पायर के गिरने के बाद जो भी रूलर बाद में आए हैं, इनफैक्ट चालुक्य अम्पायर गिरने के बाद जो रूलर बाद में आए, जैसे पंड्या हो गया, होयसला हो गया, यादवा हो गया, काकतिया हो गया, ये जो रूलर्स थे इनके जो किंगडम्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। एक बहुत कंसोलिडेटेड पॉलिटी ये लोग नहीं बना पाए, अक्सर कर ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाद में एक वेव आएगी अटैक की, दिल्ली सल्तनत से अटैक आएगा और ये सारे के सारे रूलर्स कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेंगे। हालांकि दिल्ली के सुल्तानों ने भी अटैक इस ऑब्जेक्टिव से नहीं किया कि वो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को सेटअप कर सके। दिल्ली के सुल्तान अटैक करने के लिए भेजते थे, जगहों पर कब्जा कर लेते थे और रूलर से मांगते थे पेमेंट, और बाद में कभी रूलर पेमेंट देने से फेल कर जाता था तो फिर से अटैक करते थे। चलिए बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ चोला गवर्नमेंट के बारे में। चोला गवर्नमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? किंग था। सारी की सारी अथॉरिटी किंग के हाथ में थी, उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे जो उसको एडवाइस करते थे। किंग अक्सर कर टूर में होता था वो एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, किंग को निकल के देखना तो पड़ेगा ही ना कि क्या हो रहा नीचे। अथॉरिटी उसके हाथ में थी, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करते थे। बहुत सारी अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में भी रहती थी। फिर चोलास की बात की जाए, इनकी बहुत बड़ी आर्मी थी। उस आर्मी में एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री सब थे। एलिफेंट्स मतलब कि हाथियों पे सवार सैनिक, कैवलरी मतलब घोड़े पे सवार सैनिक, इन्फेंट्री मतलब पैदल चलती हुए सैनिक। ठीक है, इन्फेंट्री के हाथ में क्या होता था, तो जनरली स्पीयर्स होते थे, भाले होते थे इन इन्फेंट्री के हाथ में। ज़्यादातर किंग्स के पास एक बॉडीगार्ड्स होते थे, और इन बॉडीगार्ड्स को ये बोला जाता था, कसम खिलाई जाती थी कि तुम किंग को डिफेंड करोगे, डिफेंड करते करते तुम्हारी जान भी चली गई तो भी कुछ नहीं होना चाहिए, तुम किंग को डिफेंड करोगे। इस रिस्पेक्ट में एक वेनेशियन ट्रेवलर है मार्को पोलो, जो कि केरला आया था 13th सेंचुरी में। उस समय पे उसने एक अकाउंट दिया कि जब किंग मरता था ना, तो उसकी फ्यूनरल पायरे में जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी अपने आप को जला लेते थे। अब इसको बहुत सारे स्कॉलर्स ने एग्जैगरेशन माना है, बट हो सकता है उस समय ऐसा हुआ हो कि ये जो गार्ड्स थे, हो सकता है किंग के ऊपर अटैक हुआ और वो गार्ड्स किंग को ना बचा पाए हों, तो उस केस में किंग के मरने पे उन गार्ड्स को भी ज़बरदस्ती उस आग में जला के मार दिया जाता हो कि तुम राजा को नहीं बचा पाए। अब उस समय पे क्या हुआ होता है होगा ये तो हमको वैसे भी नहीं पता चल सकता आज की डेट में। फिर हमने देखा कि चोलास की एक स्ट्रांग नेवी भी थी। मालाबार कोस्ट पे इनका कब्जा था, कोरोमंडल कोस्ट पे इनका कब्जा था, ऑलमोस्ट एंटायर बे ऑफ बंगाल पे बहुत लंबे समय तक इनका कब्जा रहा। फिर आप बात करो तो ये जो चोला स्टेट था, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था इसका। एक इलाका ऐसा था जो पूरा का पूरा कोर इसके सेंट्रल कंट्रोल में आता था, और कुछ लूजली एडमिनिस्ट्रेड इलाके थे। चूँकि हमने देखा चोला अम्पायर इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा इलाका का एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज जगह से चला पाना थोड़ा मुश्किल है, तो इस रिस्पेक्ट में इलाकों को बहुत सारी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया था। चोला के अम्पायर में हिल पीपल भी थे, पहाड़ों में रहने वाले लोग भी थे, ट्राइबल्स भी थे। जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, मतलब जो बेसिक यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो थी नाडू। नाडू का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजेस। अगर आपने एनसीईआरटी हिस्ट्री देखी है तो मैंने ये सब चीज़ें वहाँ पे भी पढ़ाई हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में जो नाडू डिवीज़न था, इस नाडू में बहुत सारे विलेजेस आते थे। ये विलेजेस आसपास के विलेजेस, एक कम्युनिटी के विलेज हो गए, एक साथ रहने वाले लोगों के विलेजेस हो गए। ठीक है, अब जैसे जैसे ज़्यादा इलाका लैंड कल्टिवेशन के अंदर जाता गया, वैसे वैसे नाडू भी यहाँ पे बढ़ते रहे। होता यह है कि पहले ज़्यादा इलाके पे कल्टीवेशन नहीं होता था, आबादी बढ़ी, सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू हुआ। तो जो लोग नोमैडिक पीपल पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वो अब एक जगह रह के खेती बाड़ी कर रहे हैं। अभी एक जगह रह के खेती बाड़ी कर रहे हैं तो जिस जगह पे रहने लगे वो विलेज बन गया। ऐसे बहुत से विलेज बन गए, तो उनका ग्रुप क्या बन गया, नाडू बन गया। तो विलेजेस बढ़ते चले गए, साथ साथ नाडूज बढ़ते चले गए। अच्छा, यहाँ पे इरीगेशन के लिए भी बहुत कुछ किया गया है।
तो भाई पॉन्ड्स वेल्स इस प्रकार की चीज़ें बनाई गई, यहाँ पे लोगों को सेटल किया गया और वहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर तो बढ़ना ही था। उसके साथ साथ ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स देना ये भी चालू हो चुका था, टेम्पल्स को लैंड ग्रांट्स देना, इसके चलते ब्राह्मण्स और टेम्पल्स भी यहाँ पे कल्टीवेशन में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो चुके थे। तो इस रिस्पेक्ट में बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू होता नज़र आएगा। फिर भाई ये जो नाडूज ग्रुप थे, बहुत सारे नाडूज मिल जाते थे तो एक वलनाडु बन जाता था, ये एक प्रकार का डिवीज़न था। ओवरऑल जो चोला स्टेट था वो चार मंडलम या फिर कह लीजिए चार प्रोविंसेस में बटा हुआ था, और ये जो प्रोविंसेस के गवर्नर्स होते थे, जो भी प्रिंसली फैमिली का होता था उसको ही बेसिकली यहाँ पे गवर्नर बनाया जाता था, और जो भी ऑफिशियल्स थे जो कि चोला एम्पायर के अंदर एज ऑफिशियल काम करते थे उनको भाई ज़मीन दे दी जाती थी और उस ज़मीन से तुम अपना टैक्स वसूल लो, ये बोलता था रूलर। फिर यहाँ पे चोला रूलर्स ने बहुत सारी रॉयल रोड्स भी बनवा रखी थी, ठीक है ना, दे बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ रॉयल रोड्स विच आर यूज फॉर ट्रेड एज वेल एज मूवमेंट फॉर द आर्मी। तो इन रोड से ट्रेड भी निकलता था, इन रोड से आर्मी भी निकलती थी, एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम था, ट्रेड कॉमर्स फ्लोरिश कर रहा था। और आप देखो कि गाइगेंटिक ट्रेड गिल्ड से, ट्रेड गिल्ड्स मतलब कि जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स और बिजनेसमैन होते हैं ना उनका एक समूह को उस समय पर गिल्ड बोलते थे, और बड़े बड़े गिल्ड उस समय पर एग्जिस्टेंट थे जो कि जावा सुमात्रा जैसी दूर की जगहों के साथ भी ट्रेड करते थे। इरिगेशन पे भी चोलास ने बहुत ध्यान किया था, जो कावेरी नाम की नदी थी उसके पानी को काट काट के कैनाल बनाई गई थी, बहुत सारे टैंक्स बनाए गए थे इरिगेशन के लिए। इस रिस्पेक्ट में टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो लैंड था उस लैंड का एलैबोरेट सर्वे किया गया था, और उस सर्वे के हिसाब से जो गवर्नमेंट का शेयर होता था लैंड प्रोड्यूस का वो फिक्स किया जाता था, मतलब किसान जितना उगाएगा उसमें से कितना परसेंट सरकार को देगा। इस रिस्पेक्ट में कितना परसेंट टैक्स था इस बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। फिर इस लैंड टैक्स के साथ, यानी जो एग्रीकल्चर पे टैक्स लेगी सरकार, उसके साथ साथ कुछ और तरीके थे जिससे चोला रूलर्स अपनी इनकम लेते थे। तो ये लोग ट्रेड के ऊपर टैक्स लगाते थे, टॉल लगाते थे, प्रोफेशंस के ऊपर टैक्सेस लगाते थे, और अगल बगल की जो नेबरिंग टेरिटरीज होती थी उनको अटैक करके इनको लूट लेना, उनके घरों घरों में घुस के उनके सामान उठा लेना, तो इस प्रकार की चीज़ें भी ये लोग करते थे। चोला रूलर्स बहुत अमीर थे तो उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ टाउन्स, मैग्निफिशेंट मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, ये तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे इन लोगों ने बनवा रखी थी। तो उसके बाद बात करोगे कि जो विलेज गवर्नमेंट थी चोला एम्पायर में, ओके, अभी चोला एम्पायर में बहुत सारे हमको इंस्क्रिप्शंस मिले, इन इंस्क्रिप्शंस के थ्रू विलेजेस में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, सरकार चलती थी, इसके बारे में भी बहुत सी जानकारी है। यहाँ पे ये हमको पता है कि भाई दो प्रकार की असेंबली हुआ करती थी, ये एक्चुअली में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही, जो कि मैंने आपको बताया ना कि विलेजेस में और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था चोला एम्पायर ने। तो किस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, तो चोला एम्पायर के समय पे दो प्रकार की असेंबलीज के बारे में जानते थे, एक को बोलते थे उर और दूसरी को बोलते थे सभा, इसको कभी कभी महासभा भी बोला जाता था। जो उर होता था दैट वॉज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, ठीक है भाई, ओके। तो ये जनरल असेंबली ऑफ द विलेज ये उर होता था, उर की काम करने का तरीका क्या है इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। जो महासभा होती थी उसके काम करने के तरीके के बारे में ज़्यादा कुछ पता है। महासभा एक्चुअली में एक गैदरिंग थी एडल्ट मैन की, खासकर ब्राह्मण विलेजेस में, और वहाँ पे इनको अग्र हरम्स भी कहा जाता था। तो ब्राह्मण विलेजेस में इस महासभा को कहीं ना कहीं अग्र हरम भी बोला जाता था। आगे आप देखोगे कि भाई ये जो विलेजेस थे जहाँ पे ब्राह्मण सेटलमेंट्स हुआ करते थे, जो बेसिक देखिए उस समय पे विलेजेस बटे हुए थे, ब्राह्मण्स के अपने अलग विलेज हुआ करते थे। ब्राह्मण्स के विलेज से अक्सर कर जो सरकार होती थी वो टैक्स नहीं वसूलती थी, और ब्राह्मण्स के विलेजेस को आप देखोगे जो गैदरिंग होती थी उसको अग्रहनम बोला जाता था। वैसे आपको चोला में अलग अलग जगह पे दो ही असेंबली मिलेगी, एक उर मिलेगी, एक महासभा मिलेगी, ओके। तो ये जो महासभा था, महासभा वॉज द गैदरिंग ऑफ एडल्ट वनमेन, और बेसिकली ये ब्राह्मण विलेजेस की गैदरिंग को भी कहीं ना कहीं महासभा ही बोलते थे, इन ब्राह्मण विलेजेस को अग्रहारम बोला जाता है। सॉरी मैंने शायद गैदरिंग को यहाँ पे आपका अग्रहारम बता दिया, एक्चुअली में विलेजेस, जो ब्राह्मण विलेजेस थे आपके चोला एम्पायर के दौरान इनको अग्रहारम कहा जाता था। और दो प्रकार की असेंबली थी, एक उर थी, एक महासभा थी। महासभा में अडल्ट मैन बैठते थे और भाई गांव वगैरह को कैसे चलाना इस रिस्पेक्ट में बातचीत हुआ करती थी। चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे फोकस दिया था चोला रूलर्स ने, तो विलेजेस के पास ठीक ठाक ऑटोनॉमी थी। तो इन विलेजेस के जो अफेयर्स थे वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा डिसाइड किए जाते थे। इस एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो एजुकेटेड पर्सन्स बैठते थे जिनके पास उस
पर्टिकुलर गांव में कुछ ज़मीन हो और इनको ऑब्वियसली बात है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के थ्रू चुना जाता था गांव के लोगों के द्वारा, और ये लोग रोटेट होते रहते थे। ये मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी से तीन तीन साल पर रिटायर भी होते रहते थे। बहुत सारी और कमिटीज़ भी थी इन इलाकों में जो लैंड रेवेन्यू के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, जस्टिस के ऊपर बातचीत करती थी। तो आपको असेंबलीज नज़र आ रही हैं, कुछ जगहों पर उर नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पर सभा महासभा नज़र आ रही हैं, कुछ जगहों पर आपको एग्जीक्यूटिव नज़र आ कमिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हो सकती हैं, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए भी हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए भी हो सकती हैं, जस्टिस के लिए भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई चोला एम्पायर का कौन सी जगह पे कौन सी कमेटी पाई जाती है। अभी कौन सी जगह पे कौन सी कमेटी पाई जाती है उससे मतलब नहीं है, उर क्या होता है याद रखिएगा। सभा महासभा तो आप बता ही दोगे, आपको याद रखने की चीज़ है कि उर एक प्रकार की असेंबली होती थी चोला एम्पायर के दौरान पे। फिर नाडू, वलनाडु, मंडलम, ये भाई रीजनल क्लासिफिकेशन था चोला एम्पायर के समय पे। अग्रहरम किसको बोलते थे? ब्राह्मण विलेजेस को बोलते थे चोला एम्पायर के समय पे। ओके, तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी काम आएंगी। फिर एक टैंक कमेटी भी हुआ करती थी कि भाई फील्ड्स में इरिगेशन का पानी कितना पहुंचाया जाएगा, कहां से, इसके रिस्पेक्ट में टैंक कमेटी बात करती थी। जो महासभा नाम की कमेटी थी, नए लैंड्स को किसको देना है, राइट्स किस लैंड किस किस लैंड के ऊपर किसका राइट है, इस बात को डिसाइड करना है। ठीक है, कितना लोन उठाने की आप कह सकते हो स्वेच्छा दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी किसी एक इंडिविजुअल को, कितना टैक्स उसके ऊपर लगाना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चलती थी। तो मतलब एक चोला विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो वहाँ के चोला विलेज के लोग ही पता करेंगे, और इसको बोला गया सेल्फ गवर्नमेंट। और सेल्फ गवर्नमेंट की बहुत खास बात होती है कि सेल्फ गवर्नमेंट करने वाले लोगों को पता होता है कि उनके इलाकों की परेशानियाँ क्या हैं, और वो अपने इलाकों की परेशानियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अच्छा फीचर है ये धीरे धीरे गायब होगा फ्यूडलिज्म के आने से। फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि कुछ एक ऐसी रूलिंग क्लास आ जाती है जो कि भाई सीधे सीधे एक पर्टिकुलर इलाके के बिहाफ पे राजा को रिप्रेजेंट करती है। तो अब फ्यूडलिज्म के चलते होगा ये कि चोला एम्पायर के अंदर बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स आ जाएंगे, वो फ्यूडल लॉर्ड्स चोला किंग को रिपोर्ट करेंगे, लेकिन वो फ्यूडल लॉर्ड्स अपने नीचे जो इलाका होगा वहाँ अपनी चलाएंगे, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। वो फिर उस फ्यूडल लॉर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो अपने इलाके में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा चलेगी तो फ्यूडल लॉर्ड्स की कमाई कम होगी, उसकी बादशाहत कम होगी। तो फ्यूडलिज्म और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे एक डिस्प्यूट आता नजर आ रहा था जिसमें फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी चलाना चाहते थे हर जगहों पर। फिर भाई कल्चरल लाइफ की बात कर लेते हैं चोला गवर्नमेंट में। चोला गवर्नमेंट में आपको ग्रोथ दिखेगी और क्लाइमेक्स दिखेगा भक्ति मूवमेंट का। हिंदी लिटरेचर पढ़ा हो तो हिंदी लिटरेचर में नया नार्स, अलवार्स, ये जो भक्ति मूवमेंट के बहुत से हिस्से हैं, अभी भक्ति मूवमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। भक्ति मूवमेंट में कृष्ण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, फिर भाई नया नार्स का मूवमेंट, अलवार्स का मूवमेंट, तो ये सब कहीं ना कहीं जो नया नार और अलवर का मूवमेंट था वो आपको चोला के एम्पायर के देते नजर आएगा। फिर आप देखोगे ये जो भक्ति मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं टेम्पल्स के साथ भी एसोसिएटेड था, जो टेम्पल्स थे उनके साथ ही भक्ति मूवमेंट एसोसिएटेड था। और अपने रिसोर्सेज के दम पे जो चोला एम्पायर थे उन्होंने थंजावर, गंगईकोंडा चोलापुरम, कांची जैसे बहुत बड़े बड़े शहर बनवा लिए थे, और इन बड़े बड़े कल्चरली रिच शहरों में आप देखोगे भक्ति मूवमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा, और भी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ी, ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ा। और बड़े शहर बनने की वजह से जो बड़े बड़े रूलर्स थे ना आपके चोला एम्पायर के, उनके पास बड़े बड़े हाउस होल्ड्स, उनमें बड़े बड़े बैंकेट हॉल्स, स्पेशल स्पेशियस गार्डन्स, टेरेसेस, इस प्रकार के घर वगैरह बनने लगे, तो कहीं ना कहीं लग्जरी से रहने की आदत थी। फिर आप देखोगे जो बड़े बड़े चीफ्स होते थे उनके पास 5 या 7 मंजिला मकान होता था, और अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ये पैलेसेस बने नहीं हैं। ऑब्वियसली बात है उस समय पर बने हैं, आज 800, 900, 1000, 1100 AD की बात हो रही है, और आज 1000 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो ये जो भी स्ट्रक्चर बना होगा वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता होगा। फिर अगर आप बात करो तो ये जो चोला कैपिटल थी गंगईकोंडा चोलापुरम, तो गंगईकोंडा चोलापुरम नाम की जो ये चोला कैपिटल थी एक समय पे, जो बहुत ही रिच, कल्चरली रिच, अमीर सिटी थी, लग्जूरियस सिटी थी, आज की डेट में बहुत छोटा सा विलेज रह गया है। जो भी मैग्निफिशेंट पैलेसेस हैं जो कि उस समय पर वहाँ होते थे अब वो नहीं है, ऑब्वियसली बात है उस समय के साथ डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स दिखते हैं, उस समय का जो लिटरेचर है उस लिटरेचर में इस पैलेसेस के बारे में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली बात है 1000 साल बाद आज की डेट में हमको वो पैलेसेस नहीं दिखेंगे। फिर टेम्पल आर्किटेक्चर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा है चोलास के अंदर पे। चोला के समय की जो टेम्पल आर्किटेक्चर की टेक्निक था इसको बोला गया द्रविड़,
ऑब्वियसली बात है, साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बने उस टेक्निक को बोला गया द्रविड़, नॉर्थ इंडिया में बोला गया उसको नागरा, ठीक है, जो मिक्स टेक्निक थी उसको क्या बोला गया नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी इस पर्टिकुलर द्रविड़ टेक्निक में गर्भगृह के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज बनाना, ये एक प्रकार का फैशन हो गया था। गर्भगृह एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेन डीटी को रखा जाता था और उसके ऊपर जो बहुत सारी अलग अलग मिंजले बनती जाती थी उनको बोला जाता था विमान। तो गर्भगृह के ऊपर जो अलग अलग 5 to 7 स्टोरीज बनती थी इनको विमान बोला जाता था। अगर आप इसका ये देखेंगे तो नीचे आपको गर्भगृह दिख रहा है, गर्भगृह इज द सैंक्टम। इस सैंक्टम में भगवान जी की मूर्ति रखी जाती थी या कह लीजिए यहाँ पे भगवान बैठते थे, और इसके ऊपर ही जो इतने सारी स्टोरीज बनी हुई हैं इसको बोला गया विमान, और विमान के ऊपर ही जो एक ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर बनाया गया इसको बोला गया शिखर। तो सबसे नीचे जहाँ पे डीटी बैठी है गर्भगृह, उसके ऊपर जो 5 से 7 स्टोरी का स्ट्रक्चर बनाया गया उसको बोला गया विमान, और उसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बना है माउंट पे इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया शिखर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि एक पिलर्ड हॉल था, मंडप, मतलब साइड में एक पिलर्ड हॉल था मंडप, इसमें एलैबोरेटली कार्व्ड पिलर्स थे, एक फ्लैट रूफ थी, और इट वॉज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द सैंक्टम यानी गर्भगृह के सामने था। इसमें एक ऑडियंस हॉल भी हुआ जाता था और बहुत प्रकार के और एक्टिविटीज जैसे सेरेमोनियल डांस यहाँ पे होता था। देवदासीज, वो वुमेन जो कि गॉड्स की सर्विसेज में डेडिकेटेड थी, वो यहाँ पे डांस करती थी। इसकी आपको फोटो यहाँ दिख जाएगी। अभी इस सैंक्टम के बगल में आपको ये पिलर्ड मंडप दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं, बीच में जगह होगी, उस जगह पे बैठ के लोग हो सकता है खाना वगैरह खाते हों, हो सकता है देवदासियों का डांस देखते हों। तो बिल्कुल सैंक्टम के बगल में यहाँ पे मंडप है। तो ये भी आप कह सकते हो कि साउथ इंडियन टेम्पल्स जो द्रविड़ थी उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल थी। तो द्रविड़ सॉर्ट ऑफ जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। फिर क्या बोला गया, सम टाइम्स अ पैसेज अराउंड द सैंक्टम सो दैट द डिवोसीज कुड गो अराउंड इट, इमेजेस ऑफ मेनी अदर गॉड्स कुड बी पुट इन द पैसेज। द एंटायर स्ट्रक्चर वॉज इनक्लोज्ड इन अ कोर्ट यार्ड सराउंडेड बाई हाई वॉल्स विच वर पियर्स्ड बाई लॉफ्टी गेट्स कॉल्ड गोपुरम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि इस मंदिर के चारों तरफ इस प्रकार का कोई रास्ता बनाया गया जो पीछे से जा रहा हो, और इस रास्ते पे घूम के मंदिर का चक्कर काट सकते हैं। आज की डेट में भी इंडिया में आपको ऐसे बहुत से मंदिर दिख जाएंगे जिसमें आप एंट्री मारोगे तो पूरा आप चक्कर से काट सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार का जो चक्कर काटने वाला गोल होता है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी बहुत जगहों पर पाया जाता है। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी ये बनाया गया, और ये बोला गया कि जो राउंड शेप की जो जगह है जहाँ पे जो डिवोटीज हैं वो चक्कर मार सकते हैं टेम्पल का, वहाँ पे भी बहुत सारी गॉड, मतलब आप कह सकते हो गॉड्स की मूर्तियाँ लगाई जा सकती हैं। इस टेम्पल को चारों तरफ से घेरने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें लगाई जा सकती हैं, उन दीवारों के बीच में जो बड़े बड़े गेट्स लगाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा गोपुरम। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो विमान था, जो शिखर था, वो ऊपर बढ़ता गया, जो नंबर ऑफ कोर्ट यार्ड्स थे वो बढ़ते गए, जो नंबर ऑफ गोपुरम्स थे वो और बड़े होते गए, जो दरवाजे थे वो और बड़े होते गए और अलग अलग स्टाइल के होते गए। कुछ समय बाद टेम्पल इतने बड़े हो जाएंगे कि वो एक बड़े पैलेस या एक सिटी जैसे नजर आएंगे, जिसके अंदर प्रीस्ट के रहने की जगह है और बहुत से लोग जो दूर की जगहों से आ रहे हैं उनके रहने की जगह है। टेम्पल्स को रेवेन्यू फ्री ग्रांट ऑफ लैंड मिलते थे, तो जो सरकारें होती थी वो अपनी ज़मीनें कुछ हद तक इन टेम्पल्स को देती थी, तो उन ज़मीनों से जो भी रेवेन्यू आता था वो इन टेम्पल्स की मेंटेनेंस में जाता था। बड़े बड़े वेल्दी मर्चेंट्स और अमीर लोग इन टेम्पल्स को डोनेशन दिया करते थे। धीरे धीरे इन टेम्पल्स ने बिजनेस एक्टिविटी को पकड़ लिया, मनी दान करने लगे, लेंट करने लगे इंटरेस्ट पे, बिजनेस इंटरप्राइजेज में इन्वॉल्व हो गए ये टेम्पल। फिर इन टेम्पलों ने कल्टिवेशन में भी पैसा लगाया, टैंक्स खुदवाए, वेल्स खुदवाए, इरीगेशन चैनल्स को इन्होंने डेवलप किया। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि ये जो टेम्पल्स डेवलप हुए हैं चोला अम्पायर के समय पे, ये अपने आप में ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर भी धीरे धीरे बन गए। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करिए तो 8वीं शताब्दी का एक टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल माना जाता है। और एक और टेम्पल है जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल, जिसको राजराज वन ने बनवाया था, ये भी अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल है द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। ये जो थेंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया गया ना, इसको राजराज टेम्पल ही बोलते हैं। रीज़न क्या था कि भाई चोलास अपने किंग और क्वींस की जो इमेजेस थी वो भी इन टेम्पल्स में रखवाते हैं। फिर एक और बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है गंगईकोंडा चोलापुरम, ठीक है ना भाई। तो ये जो गंगईकोंडा चोलापुरम है इसकी आज की डेट में हालत बहुत ख़राब है, इट इज़ इन अ वेरी डायलापिडेटेड कंडीशन, बट अपने समय पर यह भी एक बहुत रॉयल टेम्पल रहा होगा। इसका टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़बरदस्त है। मैं पर्सनली बताऊं आपको, मैं ये जो आपका बृहदेश्वरा टेम्पल है यहाँ पे मैं गया हूँ, सही में बहुत ज़बरदस्त इसकी हिस्ट्री है।
जब प्राइवेट जॉब कर रहा था लगभग 2010 की बात है, तब मैं इस टेम्पल में गया था, तो उस समय पे मुझे इसकी कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं पता था। अब कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाके जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ इसको देखूँगा। तो जो लोग भी इस टेम्पल के आसपास रहते हैं वो लोग गए होंगे, आपको भी मौका मिले तो इस प्रकार की कल्चरल चीज़ें देख के आइए अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो, वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा है। तो भाई ऐसे बहुत से टेम्पल्स बनवाए गए हैं साउथ इंडिया में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ चोला रूलर्स ने बनवाए, चोला रूलर्स ने तो बनवाए हैं, बहुत सारे और डायनेस्टी के रूलर्स ने भी टेम्पल बनवाए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक और सच्चाई है कि कभी कभी इन टेम्पल्स को बनवाने के लिए, इनका खर्चा चलाने के लिए आसपास के इलाके के लोगों को लूटा गया, मारा गया। तो इस प्रकार की डार्क हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एसोसिएटेड है, जो कि उस समय के समय में चाहे एंशियंट इंडिया हो चाहे मिडिवल इंडिया हो, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी, क्रुएलिटी डोमिनेंट थी। वहाँ पे मंदिर किसी एक पर्टिकुलर भगवान को याद करने के लिए कम, अपनी प्रशस्ति में, अपनी आप कह सकते हो कि तारीफ में ज़्यादा बनवाए जाते थे। इसलिए तो आप देखोगे कि जब ये डायनेस्टीज आपस में लड़ा करती थी ना, तो जब ये दूसरे के इलाके पे कब्जा कर लेती थी तो कभी कभी वहाँ के ब्राह्मण्स को भी मार देती थी, टेम्पल्स भी तोड़ देती थी। अगर इतने बड़े आप भक्त थे तो ब्राह्मण्स और टेम्प को क्यों मार रहे हो, टेम्पल्स को क्यों तोड़ रहे हो, जनरल पॉपुलेशन को क्यों मार रहे हो? तो इसका मतलब ये था कि ये लोग अपनी प्रशस्ति में, अपनी फेमस बनने में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, रिलीजन से इनको थोड़ा कम मतलब था। फिर आप देखोगे कि चोलास के गिरने के बाद जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी है, चालुक्यास ऑफ कल्याणी ने चालू रखे, होयसलास ने चालू रखे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ धारवाड़ है जहाँ पे होयसला का कैपिटल है हालेबीडू, हालेबीडू में बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं, जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है होयसलेश्वर टेम्पल। चालुक्यन स्टाइल में होयसलेश्वर टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल। ठीक है भाई, इस होयसलेश्वर टेम्पल में आपको गॉड्स की इमेजेस मिलेंगी, उनके अटेंडेंट्स की इमेजेस मिलेंगी, मैन और वुमेन की इमेजेस मिलेंगी। मैन को बोला गया है यक्ष और वुमेन को बोला गया है यक्षिणी। टेम्पल्स में फाइनली स्कल्पचर्ड पैनल्स होंगे, उन पैनल्स में उस समय की बिजी लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है ना, डांस को दिखाया गया है, म्यूजिक, वॉर, लव, रिलीजन, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उन टेम्पल के जो स्कल्पचर्ड पैनल्स हैं वहाँ पे दिखाया गया है। तो जो टेम्पल थे उस समय पे होयसला एम्पायर के दौरान, ये सिर्फ देवर नॉट अ सेंटर ऑफ रिलीजन, वहाँ पे सोशल और कल्चरल लाइफ भी होती थी, दैट वॉज ऑल्सो अ हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। ठीक है, देखिए यही बोला जा रहा है, फॉर द कॉमन मैन द टेम्पल्स वर नॉट मेयरली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल वर्स। ये सिर्फ होयसला टेम्पल के लिए नहीं है, ये चोलास टेम्पल के लिए भी, साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो टेम्पल्स बने हर जगह पे ये है। लेकिन जो आर्ट ऑफ स्कल्पचर है भाई साउथ इंडिया की, बड़े ही आला दर्जे की, बहुत ही टॉप लेवल की है। इसकी एक और एग्जाम्पल है जाइंट स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा इन श्रवणबेलगोला। फिर उसके बाद आप देखोगे कि एक डांसिंग इमेज मिली है उस समय पे शिवाजी की, शिव भगवान की, जिसको बोला गया नटराज। ये ब्रॉन्ज में आप कह सकते हो ये फिगर उस समय पाया गया और उस समय का इसको मास्टरपीस बताया गया, कुछ इस प्रकार का फिगर नटराज का आपको नज़र आता है। तो ये भी आप कह सकते हो कि उस समय की एक आर्किटेक्चरल रिचनेस है। आज की डेट में ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको म्यूजियम्स ऑफ इंडिया और अब्रॉड में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो अलग अलग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो आर्ट को पैटर्नाइज कर रहे हैं, संस्कृत को उस समय पे लैंग्वेज ऑफ हाई कल्चर समझा जाता, बहुत सारे किंग्स, स्कॉलर्स और कोर्ट पोएट संस्कृत में लिखा करते थे। और आप देखोगे कि लोकल लैंग्वेज की ग्रोथ में संस्कृत का बड़ा मेजर रोल था। बहुत सारे जो पॉपुलर सेंट्स थे, नायनर्स और अलवर्स, इन्होंने संस्कृत में राइटिंग नहीं की है, लोकल लैंग्वेजेस में राइटिंग की है। तो लिटरेचर ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर भाषा में बढ़ाए, वो संस्कृत में बढ़ाए, वो लोकल लैंग्वेजेस में बढ़ाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नायनार से शिव भक्त थे, अलवर्स विष्णु के भक्त थे, ये तमिल किंगडम्स में फ्लॉरिश कर रहे थे 6th और 9th सेंचुरीज में, और इनके वर्क्स तमिल भाषा में मिलेंगे आपको। तो रीजनल भाषाओं में भी यहाँ पे भक्ति लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे आपको स्क्रिप्ट्स मिले हैं, जो कि आप कह सकते हो इट वॉज अ कल्चरल पार्ट ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ चोला एम्पायर। फिर यहाँ पे एक राइटिंग है, द राइटिंग्स ऑफ सेवाइट सेंट्स, इसको 11 वॉल्यूम्स में कलेक्ट किया गया है। इसका नाम है तिरुमुराई, इट वॉज फाउंड इन अर्लियर पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी। इसको सेक्रेट कहा जाता है, कभी कभी इसको 5th वेदा ही बोला जाता है। अब देखिए इतनी चीज़ें यहाँ पे देखना ज़रूरी नहीं है। हाँ, एक कम्मन नाम के एक आप कह सकते हैं पर्सन थे, इन ये आप कह सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ 11th सेंचुरी से अर्ली पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी में एक्टिव थे, और इनको तमिल लिटरेचर में गोल्डन एज लाने के लिए नवाजा जाता है। कम्मन को काफ़ी माना जाता है, कम्मन ने तमिल लिटरेचर में रामायण लिखी है, और ये जो रामायण है ना कम्मन की लिखी हुई, तमिल लिटरेचर में काफ़ी फेमस है। आप कह सकते हो कि ऐसा माना जाता है कम्मन एक चोला किंग के कोर्ट में रहा करते थे, और
उस समय पे रामायण और महाभारत जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस थी, इनके इनके ऊपर बहुत सारे लिटरेचर रीजनल लैंग्वेज में साउथ इंडिया में लिखे गए। तो एक रामायण कम्बन ने लिखी थी तमिल ने, और तमिल लिटरेचर में इसको बहुत माना जाता है। फिर अगर आप बात करो तो तमिल लिटरेचर के साथ साथ जो बाकी रीजनल लैंग्वेज थी, जैसे कि कन्नड़ लिटरेचर में भी बहुत कुछ लिखा गया है। कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ भाषा तमिल भाषा के बाद आई है, बट बहुत सारे वर्क्स यहाँ पे कन्नड़ भाषा में भी लिखे गए हैं। राष्ट्रकूटा रूलर्स, चालुक्य रूलर्स और होयसड़ा रूलर्स, इन्होंने कन्नड़ को सपोर्ट दिया, साथ साथ तेलुगु को भी सपोर्ट दिया। राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा ने तो पूरी की पूरी पोएटिक की किताब लिखी है कन्नड़ में। बहुत सारे जैन स्कॉलर्स ने भी कन्नड़ में भाषा लिखी हुई, मतलब अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे हुए हैं। पंपा, पोना और रन्ना, ये कन्नड़ पोएट्री की तीन जेम्स माने जाते हैं। तो ये तो हमने कन्नड़ की बात की। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो ननिया नाम का आप कह सकते हैं एक पर्सन था, ही लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ अ चालुक्यन किंग, और इसने तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत लिखनी शुरू की। तो ननिया ने, जो कि चालुक्यन किंग के कोर्ट में रहता था, तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत को लिखना शुरू किया, जो कि 13th century में तिकाना ने कम्प्लीट की। तो जैसे तमिल में रामायण लिखी थी कम्बन ने, जिससे बहुत सारे और लोगों ने रामायण की थीम उठाई तमिल स्कॉलर्स ने, उसी प्रकार से जो तेलुगु वर्जन था महाभारत का, जिसको ननिया ने लिखी थी, ये भी साउथ इंडिया में बहुत फेमस हुई, और इस तेलुगु महाभारत ने रीजनल लैंग्वेजेस में और पॉपुलर थीम्स ऑफ फोक को आगे बढ़ाया। ठीक है ना भाई? तो ये सब बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बस इतना ही। आप ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करते, ठीक है? ऑलरेडी मैंने बहुत हॉलिस्टिकली चीज़ें आपको समझा दी हैं चोला अम्पायर के बारे में, और चोला अम्पायर के साथ साथ कुछ और अम्पायर्स की जो कल्चरल ट्रेड्स हैं वो भी समझाएँ। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, एजुकेशन एंड रिलीजियस बिलीफ्स। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 को मैं 3 पार्ट्स में खत्म करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लेट हो गई, मैंने बोला था 4 बनाऊंगा, बट आप खुद ही देख सकते हो ऑलमोस्ट 50 मिनट की वीडियो है। कंटेंट को पढ़ने में, तैयार करने में समय लगता है। मैं प्रोग्रेसिव टारगेट्स बना के चलता हूँ, बट कभी कभी टारगेट नहीं मीट पाते हैं, जो कि टारगेट अपने आप में बहुत बड़े हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। आप किसे बस इतनी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।